कस्टडी से फरार 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को थाना सिविल लाइन पुलिस और SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना सिविल लाइन ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभिरक्षा से फरार तथा 25,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को सरवट फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिविल लाइन पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना भोपा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 28 नवंबर 2023 में आत्मसमर्पण किया था, जिसके पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में भेजने के आदेश दिए गए थे। इस दौरान अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज थाना सिविल लाइन पुलिस और SOG की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र सत्य प्रकाश सिंह निवासी ग्राम रोनी हरजीपुर थाना चरथावल है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वो फरार होने के बाद पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार में रुका था और कुछ समय पश्चात वहां से महाराष्ट्र चला गया था। महाराष्ट्र में 3 महीने रहने के बाद वापस हरिद्वार आया। आज वो अपनी प्रेमिका से मिलने मुजफ्फरनगर आया था, जहां पर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। पिछले वर्ष नवंबर के माह में एक सुमित नाम का अभियुक्त, जो माननीय न्यायालय परिसर से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, इस घटना के संबंध में थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था और उसके लिए लगातार दबिशें दी जा रही थी। कल थाना सिविल लाइन पुलिस और SOG टीम को इस अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। ये अभियुक्त सुमित पुत्र सत्य प्रकाश निवासी रोनी हरजीपुर है और ये एक थाना भोपा के मुकदमे में माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने आया था और उसी दौरान पुलिस अभिरक्षा से ये फरार हो गया था। इस पर जनपद मुजफ्फरनगर में 25,000 का इनाम घोषित किया गया था और इस अभियुक्त को पकड़ने के बाद में अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।